दोस्तों, गुल्ली बुल्ली और पेनीवाइज के पहले पार्ट में आप सभी का स्वागत है। जिसको भी पेनीवाइज के बारे में नहीं पता, मैं बता दूं कि पेनीवाइज जोकर की शक्ल का एक भूत है जो बच्चों को डराकर उन्हें मार देता है। एविल नट, जेसन और खूनी पिग तो पेनीवाइज के सामने एक झिंगुर के बराबर हैं। वैसे तो बहुत सालों पहले पेनीवाइज को अपने बाबा के परदादा ने मौत की नींद सुला दिया था, लेकिन बुल्ली और शॉन घर पर बैठ के पेनीवाइज की कहानी देख रहे होते हैं। तभी गुल्ली आकर उनसे कहता है, गुल्ली और शॉन, ये तुम लोग क्या देखते रहते हो? ये सब असल में थोड़ी ना होता है। गुल्ली, शायद तुम्हें पता नहीं, पेनीवाइज हर 100 साल बाद एक बार अर्थ पे आता है। आजकल तो पेनीवाइज रोज मेरे सपनों में आने लगा है। फिर तो शॉन, लगता है तुम्हारा नंबर आ गया है, क्योंकि किसी को भी मारने से पहले पेनीवाइज उसके सपने में जाके उसे डराता है। बुल्ली, ऐसा मत कहो यार, मेरी पैंट गीली हो जाएगी। तुम लोग फालतू में डर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। और अगर ऐसा कुछ हुआ भी तो अपने बाबा है ना हमें बचाने के लिए। तभी घर की बेल बजती है। कहीं पेनीवाइज तो नहीं आ गया? चुप करो शॉन, वो पेनीवाइज है, कोई दूध वाला नहीं जो घर की घंटी बजा के आएगा। चलो चलकर देखते हैं कौन है। बेटा, मैं अपने बेटे केविन को ढूंढ रहा हूँ। कितनी बार मैंने उससे मना किया था कि बारिश में घर से बाहर मत निकलना। मुझे लगा वो मुझसे नाराज होके तुम्हारे पास आया होगा खेलने। नहीं झंडू अंकल, केविन तो हमारे घर नहीं आया। क्या, फिर कहाँ गया होगा? अब तो रात भी होने को है, मुझे बहुत डर लग रहा है। शहर में कोई जोकर आया है जो रातों रात बच्चों को उठा के ले जाता है। क्या कहा, जोकर? कहीं वो पेनीवाइज? चुप करो शॉन, जरा सी बात पे तुम्हारी फटने लगती है। बेटा मेरी मदद करो केविन को ढूंढने में, मुझे बहुत डर लग रहा है। आप टेंशन मत लो झंडू अंकल, हम देखते हैं केविन को। बुल्ली और शॉन, चलो मेरे साथ। पकड़ लूंगा। रुक जा प्याले गुब्बाले, मैं आ रहा हूँ। अरे ये गुब्बाला तो अंदर चला गया। क्या है? मेरा नाम केविन है। केविन, बहुत ही प्यारा नाम है। वैसे मैं तेरी वाइज हूँ और मैं एक जोकर हूँ। तुम्हें जोकर पसंद है ना? हाँ। ओहो, कितने प्यारे बच्चे हो तुम। क्या तुम मुझे वो गुब्बारा दोगे? कौन सा गुब्बारा? ये आ जाओ, ले लो, ले लो, ये तुम्हारा ही है। अब तो हम दोस्त हैं ना, और मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। शाबाश, शाबाश, थोड़ा सा और ले लो अपना गुब्बारा। केविन, 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 केविन। दोस्तों वो देखो, वो तो केविन का जूता है ना। हाँ, ये जूता तो केविन का ही है।
मुझे लगता है केविन खेलते खेलते इस टनल के अंदर चला गया होगा। हाँ चलो अंदर चलकर देखते हैं। नहीं, मैंने सुना है पेनीवाइज ऐसे ही टनल के अंदर रहता है। शॉन तुम्हारी फिर से फटने लगी, पता नहीं तुम कब सुधरोगे। बुल्ली पहले शॉन को टनल के अंदर धक्का देते हैं, तभी इसके मन से पेनीवाइज का डर जाएगा। नहीं नहीं, मुझे हाथ पे मत लगाना, बता रहा हूँ, दूर 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 रहो तुम दोनों। कुछ नहीं होगा, चलो चलो। दूर 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 रहो तुम दोनों। देखा, मैंने कहा था ना कुछ नहीं है। सॉन्ग तुम खामखा डर रहे थे। चलो सभी केविन को ढूंढते हैं। ये देखो केविन का दूसरा जूता। मतलब केविन यहीं कहीं होगा। सभी अलग अलग होके देखते हैं। फिकर मत कर सॉन, पेनीवाइज जैसी कोई चीज नहीं होती। सब झूठ है, सब झूठ है सॉन, फिकर मत कर। शॉन, क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? भागो, पेनीवाइज है यहाँ। क्या हुआ शॉन, तुमने ऐसा क्या देख लिया? मैंने उसे देखा, मैंने पेनीवाइज को देखा। लगता है तुम दिन में सपने देखने लगे हो, हमें तो ऐसा कुछ नहीं दिखा। नहीं, मैंने सच में देखा पेनीवाइज को, कसम से। चलो जल्दी, हमें बाबा के पास चलना होगा, जल्दी चलो, वरना वो हम सबको मार देगा। चलो ठीक है, शांत हो जाओ, हम चलते हैं।